नमस्कार, मैं हूं शशि। संध्या समाचार में आपका स्वागत है। आइए झारखंड के दिन भर की खबर जानते हैं। 26 अक्टूबर से झारखंड बिहार की महिला अग्निवीरों की बहाली प्रक्रिया होगी। अग्निपथ योजना के तहत झारखंड बिहार के महिला अग्निवीरों की बहाली प्रक्रिया 26 अक्टूबर को पटना के दानापुर में होगी। इसमें दोनों राज्य के 80,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बता दें, बहाली के लिए झारखंड के 24 जिलों से अभ्यर्थियों ने joinindianarmy.nic.in पर आवेदन किया है। अग्निवीर योजना के लिए 17 से 23 साल की युवतियों को आवेदन करना था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 अगस्त से 7 सितंबर तक हुआ था। बता दें, रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदनों की स्क्रूटनी हुई, इसके बाद एडमिट कार्ड भेजे जा रहे हैं। बहाली प्रक्रिया में शामिल होने के लिए लेजर प्रिंटर से ब्लैक एंड व्हाइट डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड, मैट्रिक या बारहवीं का पंजीकरण कार्ड, प्रवेश पत्र, मूल अंक तालिका, बोर्ड का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, NCC तथा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, 20 न्यूनतम रंगीन फोटो, दस्तावेज के मूल तथा 2 अभिप्रमाण प्रति भी साथ लाना है। झारखंड के 35 लाख बच्चों को मिलेगा छात्रवृत्ति का लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि 3 गुना बढ़ा दी गई है। राज्य के 35 लाख बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। आर्थिक तंगी से जूझ रहे बच्चों को सरकार पढ़ाएगी। CM ने राज्य के बाहर काम करने वाले श्रमिकों से वापस लौटने की अपील करते हुए कहा है कि सरकार उन्हें राज्य में ही रोजगार देगी। वह झारखंड मंत्रालय स्थित सभा कक्ष से गुरुवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के दूसरे चरण से सफल क्रियान्वयन के संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्त व जिला के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा कर रहे थे। CM ने कहा है कि सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कक्षा 8वीं की बच्चियों से प्रारंभ होगी। जब तक बच्चिया 18 से 19 वर्ष की होगी तब तक उन्हें स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह राशि छात्रवृत्ति के अतिरिक्त दी जाएगी। झारखंड में तेजी से पांव पसार रहा डेंगू, 4 दिन में दोगुना हुए मरीज। रिम्स में डेंगू मरीजों की बढ़ रही संख्या ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 4 दिनों में यहाँ भर्ती मरीजों की संख्या दोगुना से अधिक हो गई है। डेंगू वार्ड में 1 पुलिस जवान समेत अब कुल 13 मरीज भर्ती हैं। बता दें, 4 दिन पहले यह संख्या मात्र 6 थी। भर्ती मरीजों में रांची के 3 लोग शामिल हैं। इसके अलावा कोडरमा, गढ़वा, गया, पुरुलिया के लोग डेंगू से ग्रसित हैं। भर्ती सभी मरीजों के प्लेटलेट काफ़ी कम हैं। वहीं चिकित्सकों को मरीजों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। नेतरहाट विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया शुरू। झारखंड के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी विद्यालय लातेहार स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन के लिए शनिवार से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन भरे जाएंगे। बता दें, आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर निर्धारित की गई है। नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 29 जनवरी को सभी प्रमंडल मुख्यालयों में संबंधित जिलों के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाएगी। इस बार भी प्रवेश परीक्षा 1 स्तरीय होगी। यह परीक्षा 1 पाली में 2.5 घंटे की होगी। इसमें 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें मानसिक योग्यता, हिंदी, गणित, विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान विषय से प्रश्न शामिल होंगे। बता दें, प्रत्येक विषय में 5 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रकृति तथा 15 अंकों के विषयनिष्ठ प्रकृति के प्रश्न शामिल होंगे। स्कूली बच्चों में छुआछूत हावी, टाना भगत के बच्चों ने नहीं खाया मिड डे मील। झारखंड के लातेहार जिला के सदर प्रखंड के कैमा गांव में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में गुरुवार को टाना भगत के बच्चों ने मध्याह्न भोजन खाने से इनकार कर दिया। जानकारी के अनुसार कैमा गांव के मध्य विद्यालय की रसोईया मुनीता देवी के पति जेल चले गए हैं। वह गुरुवार को अपने पति से मिलने के लिए लातेहार जेल गई थी, जिसके कारण वह विद्यालय नहीं जा सकी। इसी कारण विद्यालय में मध्याह्न भोजन दूसरी रसोईया के द्वारा बनाया गया था, जिसके बाद विद्यालय में पढ़ने वाले टाना भगत के 30 बच्चों ने मध्याह्न भोजन नहीं खाया। यह मामला पूरे दिन जिले में खासी चर्चा का विषय बना रहा। बता दें, लातेहार सदर प्रखंड के कैमा गांव में टाना भगतों की अधिक आबादी है। यहाँ सरकार की कई योजनाओं के लाभ से टाना भगत लाभान्वित हैं। रांची में जेसुआ का दीपावली मेला आज से। झारखंड IAS ऑफिसर्स वाइस एसोसिएशन जेसुआ की ओर से 14 से 18 अक्टूबर तक 5 दिवसीय दीपावली मेला मोराबादी मैदान में लगाया जा रहा है। शाम 4 बजे उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनकी पत्नी कल्पना सोरेन करेंगे। मेले की तैयारी पूरी कर ली गई है। मेले में झारखंड समेत देश भर के 300 स्टॉल लगाए जाएंगे। बता दें, मेले में गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार व झारखंड के विभिन्न जिलों के उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं।
जेसुआ की सचिव निकी टोपो ने बताया है कि मेला से प्राप्त आय को सामाजिक सरोकार में लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस मेले के दौरान भी प्रतिदिन चैरिटी वर्क किए जाएंगे। मेले में प्रतिदिन शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। इसमें देश भर के प्रसिद्ध कलाकार प्रस्तुति देंगे। वहीं बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए गेम्स भी होंगे। झारखंड कैडर के 4 आईपीएस अधिकारियों का पदस्थापना। राज्य सरकार ने झारखंड कैडर के 4 आईपीएस अधिकारियों का पदस्थापना कर दिया है। इसमें पदस्थापना की प्रतीक्षा कर रहे डीआईजी सुनील भास्कर को डीआईजी जय रांची के एसएसपी पद से हटाने के बाद पदस्थापना की प्रतीक्षा कर रहे सुरेंद्र कुमार झा को एसपी आतंकवाद निरोधक दस्ता व धनंजय कुमार को जैप 10 महिला बटालियन का कमांडेंट बनाया गया। वहीं जैप 10 की कमांडेंट संध्या रानी मेहता को सीआईडी में एसपी के पद पर स्थानांतरित किया गया है। बता दें झारखंड के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में पदाधिकारियों कर्मियों की भारी कमी के चलते समय व गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण लेने में कठिनाई हो रही है। पुलिस कर्मियों पदाधिकारियों के अनिवार्य प्रशिक्षण में विलम्ब के चलते उनकी प्रोन्नति व इससे जुड़े लाभ समय पर नहीं मिल पा रहे। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे विद्यार्थी। सरकारी स्कूलों में अब भी जाति प्रमाण पत्र बनाने की रफ्तार धीमी है। इस कारण से ऐसे बच्चे बुरी तरह फंस गए हैं जो इस बार 9वीं कक्षा में हैं। चूंकि अभी झारखंड एकेडमी काउंसिल जय की ओर से मैट्रिक परीक्षा के लिए 9वीं कक्षा के छात्रों की पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है, इसलिए जैक की ओर से सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि 4 नवंबर तक हर हाल में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करा दिया जाए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में बच्चों का पंजीकरण मैट्रिक परीक्षा के लिए सामान्य जाति की कैटेगरी में कर दिया जाएगा। दरअसल इस बार मैट्रिक के पंजीकरण के लिए सभी विद्यार्थियों की जाति की कैटेगरी को उपलब्ध जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही भरा जाना है। टाना भगत उग्र क्यों हो रहे? गांधी जी के बताए सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलना, खादी का सादा लिबास व गांधी टोपी पहनना और रोज तिरंगे की पूजा करना दशकों से टाना भक्तों की पहचान रही है। झारखंड में मुख्य तौर पर लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और चतरा में बसे टाना भगत गरीबी में जीवन जीते हुए भी समाज में आदर्श स्थापित करते रहे हैं। बता दें वर्ष 1917 में महात्मा गांधी रांची आए तो वह टाना भक्तों से ही मिले। बापू के व्यक्तित्व ने टाना भक्तों पर ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि वह हमेशा के लिए गांधी के होकर रह गए। नियम के पक्के टाना भगत अपने अधिकारों और अस्तित्व के लिए संघर्ष भी करते रहे हैं, लेकिन सोमवार को लातेहार में इनका अलग चेहरा देखने को मिला। यहां 5वीं अनुसूची का हवाला देकर टाना भक्तों ने न्यायालय परिसर को 5 घंटे तक घेरा रखा। हाई कोर्ट ने पूछा, आउटसोर्सिंग कर्मियों को कैसे नियुक्त कर सकती है सरकार? झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में रांची एफएसएल रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई। अदालत ने एफएसएल में आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मियों को नियोजित करने की प्रक्रिया किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा है कि जब कोर्ट इस मामले की निगरानी कर रही है तो बिना कोर्ट की अनुमति के राज्य सरकार कैसे आउटसोर्स कर्मियों को नियमित कर सकती है। अदालत ने यह भी कहा है कि आउटसोर्स कर्मी तो संविदा पर नहीं है, ऐसे में राज्य सरकार नियमित करने पर विचार क्यों कर रही है। कुर्मी आदिवासी विवाद पर सालखन मुर्मू ने दिया शिक्षा मंत्री का जवाब। कुर्मी आदिवासी विवाद पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता व झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के सवालों का आदिवासी सेगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मयूरभंज के पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने जवाब दिया है। जगन्नाथ महतो ने केंद्र सरकार से पूछा है कि बिना किसी पत्र या गयट के कुर्मी को क्यों 1931 में एसटी की सूची से बाहर किया गया? यदि कुर्मी एसटी नहीं है तो उनकी जमीन सीएनटी में कैसे है? इस पर सालखन ने कहा है कि मंत्री जगन्नाथ महतो को ज्ञात होना चाहिए कि सीएनटी कानून की धारा 46B के तहत एससी और ओबीसी के भी जमीन की रक्षा के लिए सीएनटी में प्रावधान है। इसे 2010 में झारखंड सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व सुदेश महतो ने तोड़ने का काम किया था। धनबाद में तेजी से पांव पसार रहा मिजिल्स रूबेला, 4 बच्चों की मौत। मिजिल्स रूबेला तेजी से पांव पसार रही है। स्वास्थ्य विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार मिजिल्स की चपेट में आकर अब तक 4 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 30 से ज्यादा मरीजों की पहचान हुई है। ज्यादातर मरीज ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। इस संक्रामक बीमारी में मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से धनबाद जिला रेड जोन की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल यह येलो जोन में है। स्वास्थ्य मुख्यालय के निर्देश पर मिजिल्स की रोकथाम के लिए विशेष टीम गठित की गई है।
बता दे, लक्षण के तौर पर बच्चों के शरीर पर छोटे छोटे दाने निकलना, शरीर पर चकते निकलना, दस्त, सिर दर्द, सर्दी खांसी और निमोनिया बुखार, बच्चों की आँखों का लगातार लाल रहना, नवजात बच्चों में लगातार बुखार का आना, कान या गर्दन की लसिका ग्रंथियों में वृद्धि आदि लक्षण हैं। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए, साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलिए, साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।